कितनी बार ऐसा होता है ना कि हमारे माइंड में एकदम कोई धांसू सा आइडिया आता है और हमें लगता है कि बस अब तो यही है, अब तो हम करके दिखा देंगे। ऐसा आइडिया अब तक किसी को ना आया है ना आएगा, और दिस इज़ द बेस्ट आइडिया एवर। और फिर बीच में आता है हमारा क्रिटिकल माइंड। आफ्टर अ लॉट ऑफ ओवर एनालिसिस विच लीड्स टू पैरालिसिस, हम उस आइडिया को ड्रॉप करने लगते हैं। हमारा ओवर थिंकिंग ब्रेन एक दिन दो दिन ओवर थिंक करने के बाद उस आइडिया को उस हद तक क्रिटिसाइज कर देता है और हम उसे ड्रॉप कर देते हैं। और ये एक बार नहीं होता है, इट हैपेंस 100 times, हर किसी के साथ होता है, बहुत होता है। एंड आई एम द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ इट। कितने ही आइडियाज आते हैं, कितने ही ब्राइट आइडियाज आते हैं, और फिर बाद में रिग्रेट होता है कि अगर मैंने उस वक्त उस पर एक्शन ले लिया होता तो आज सिचुएशन कुछ और ही होती। ये चीज़ शायद हर आर्टिस्ट के साथ होती है। जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, लाइक कोई पेंटिंग बनाई, वो उस वक्त बहुत अच्छी लगती है, फिर हम उसको घूरते रहते हैं फॉर 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, एक दिन, एक हफ्ता, और फिर हमको उसमें इतनी खामियां नज़र आती हैं कि वो हमें अब तक का अपना सबसे वाहियात, सबसे बेकार काम लगने लगता है। क्रिटिकल माइंड, ओवर थिंकिंग माइंड, बहुत एनालिसिस करते हैं, बहुत सोचते हैं, एक्शन नहीं लेते, स्टार्ट नहीं करते। सो दिस इज़ द रिमाइंडर, नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी आइडिया आए, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट राइट इट डाउन, क्योंकि मैंने ये गलती बहुत की है और मुझे इसका बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। मैंने कभी भी अपने आइडियाज़ को जॉट डाउन नहीं किया। बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ गंवा दिए मैंने, बहुत सारी अच्छी पोएम्स नहीं लिखी, जो मैं लिखना चाहती थी लिख सकती थी बट नहीं लिखी। बहुत कुछ हो सकता है बट नहीं होता है, बहुत थिन लाइन होती है एक्शन की, बहुत थिन लाइन। जस्ट स्टार्ट, रिग्रेट मत करो, स्टार्ट करो राइट नाउ विद व्हाट एवर यू हैव।